फिल्ममेकर करण जौहर पर अक्सर इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद और नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। इसे लेकर कंगना रनौत अक्सर उन पर हमला करती रहती हैं। इतना ही नहीं, करण जौहर को मूवी माफिया तक बताया गया है। हाल ही में करण जौहर ने एक इंटरव्यू में खुद को मूवी माफिया कहे जाने पर खुलकर बात की है। करण जौहर ने कहा कि पिछले कुछ सालों में, खासकर पैंडेमिक के बाद, उन्होंने जो भी ट्रोलिंग और नफरत झेला है, इसका सीधा असर उनकी माँ रूही जौहर पर पड़ा है। उनकी माँ पर इसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। बहुत परेशान हुई, लेकिन वह मजबूती से उनके साथ खड़ी रही। करण ने कहा कि बीते 3 सालों में मुझे जो नफरत मिली है, उसका बुरा असर मेरी माँ पर पड़ा है। मैंने अपनी माँ को नफरत तले टूटते देखा है। वो टीवी देख रही थी, ऑनलाइन चीजें पढ़ती थी, ये चीजें उन्हें बहुत परेशान करती थी। मेरी माँ टीवी के उन चीखते चिल्लाते एंकर को सुनती थी जो मेरे बारे में भयानक बातें कर मुझे बुरा इंसान साबित कर रहे थे। वहीं सोशल मीडिया पर मेरे सपोर्ट में कुछ लोग भी मौजूद थे। करण ने कहा कि वो वक्त मेरे लिए बहुत नाजुक था, क्योंकि मुझे अपनी माँ, परिवार और अपने लिए स्ट्रांग होना था। जब लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे, तब मैं सोच रहा था कि अब तो सबने मेरे कपड़े ही उतार दिए हैं, अभी क्या छुपाना, किससे लड़ना। हर कोई मेरी लाइफ में अचानक आकर अपने हिसाब से धारणा बना रहा था। वो जानते भी नहीं थे कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। करण जौहर इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर सुर्खियों में है। इस फिल्म के जरिए करण ने करीब 7 साल बाद निर्देशन के रूप में पर्दे पर वापसी की है। फिल्म में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह अहम किरदार में हैं।